डब्ल्यू हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से डब्ल्यू की हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। डब्ल्यू को जन्म दिया था दो लोगों ने मिलकर, जिनका नाम है जेस मिकमैन और टूट्स मॉन्डेट। इन्होंने अपना खुद का एक रेसलिंग कंपनी स्टार्ट किया था 7 जनवरी 1952 को, और इस कंपनी का नाम था कैपिटल रेसलिंग कॉरपोरेशन, यानी कि CWC। आपने CWC के बारे में सुना ही होगा। ये फर्स्ट रेसलिंग कंपनी था और इस कंपनी को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था ऑडियंस के तरफ से। बाद में इस CWC का नाम चेंज हो गया और इसका नाम हो गया वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, यानी कि WWF, और इस WWF का भी नाम चेंज होकर WWE हो गया, यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, जो कि प्रेजेंटली अभी चल रहा है। इस WWE में हमें रॉ, स्मैकडाउन इस तरह के दो शोज़ दिखाए जाते हैं जो ऑडियंस बहुत ही पसंद करती है और बहुत मज़ा आता है इन शोज़ को देखने में। इन शोज़ का लाइव टेलीकास्ट 150 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में होता है और इंडिया भी उनमें से एक है। इस WWE में 12 पे पर व्यू होते हैं, यानी कि रेसलमेनिया, ऐसे मेन इवेंट्स जैसे बैटल ग्राउंड और बहुत सारे। और रॉ और स्मैकडाउन का 320 से ज़्यादा लाइव एपिसोड्स दिखाए जाते हैं हमें टीवी पर। इन्होंने अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन भी स्टार्ट किया था WWE नेटवर्क के नाम से 2014 में, जो आज तक बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है उन्हें। सबसे पहले रिक फ्लेयर थे WWE के मैनेजर, उसके बाद हो गए ट्रिपल एच, और मेरे WWE फेवरेट सुपरस्टार्स आप यहाँ पर देख सकते हैं।